ऐसे कई यूजर हैं जो व्हाट्सएप चलाते हैं पर अभी तक नहीं उनको मालूम है कि लोकेशन कैसे भेजी जाती है। अगर आप भी व्हाट्सएप यूजर हैं और आपको नहीं पता है कि व्हाट्सएप में लोकेशन कैसे शेयर करते हैं, तो आपको हम आपको व्हाट्सएप पर लोकेशन सेंड करना बताएंगे। पहले व्हाट्सएप ओपन करिए। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको जिस किसी के साथ भी अपना लोकेशन शेयर करना चाहते हैं उनका व्हाट्सएप में चैट ओपन करिए। जैसे मैं इनका भेजना अर्जुन को भेजना चाहता हूँ तो उसको क्लिक करें, ये चैट ऑप्शन खुल जाएगा। चैट ऑप्शन खुलने के बाद आपको फाइल अटैचमेंट वाला आइकन को क्लिक करना है। यहाँ पे कैमरे के बगल में है फाइल अटैचमेंट, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पॉपअप आपको ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे लोकेशन को टैप करना है। लोकेशन को टैप करने के बाद ऑप्शन आपको यहाँ दो ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा सेंड ऑप्शन में। यहाँ पे दो ऑप्शन को समझते हैं, शेयर लाइव लोकेशन। यदि आप लाइव लोकेशन भेजते हैं तो यदि आप लाइव लोकेशन भेजते हैं तो यह आपकी वो लोकेशन होगी जहां पर आप हैं, और यह लोकेशन आपके साथ बदलते रहेगा। मतलब आप जहां भी मूव करेंगे तो आपका लोकेशन बदलता जाएगा, इसका फिक्स नहीं है। आप दूसरा ऑप्शन चुनते हैं सेंड योर करेंट लोकेशन, तो ये क्या है इसको समझिए। अगर आप किसी को अपनी करंट लोकेशन भेजते हैं तो यह आपकी वह लोकेशन होगी जहां पर आप इस समय मौजूद हैं, और यदि मूव करते हैं तो आपका मूव वाला लोकेशन आपका शो नहीं होगा आपके, उसको क्लिक करने तो आप सेंड हो जाएगा। और यदि हम शेयर लाइव लोकेशन में करते हैं तो आपको दो ऑप्शन कुछ मिलेगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखिए, 15 मिनट, 1 आवर, 8 आवर्स, आप कितने मिनट या कितने घंटे के लिए आप इस लोके अपना लोकेशन शेयर करना चाहते हैं। आपको कोई मैसेज छोड़ना हो तो यहाँ पे कमेंट एड कमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे सेंड कर दीजिए। और कितने घंटे या फिर आवर्स में, घंटे या मिनट में सेंड करना चाहते हैं तो आप वो पे सेलेक्ट करके आप सेंड कर सकते हैं। ये आपका सेंड हो गया। तो दोस्तों आप इस तरह से आप किसी के साथ भी अपनी लोकेशन को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों वास्तव में लोकेशन शेयर करना बहुत ही आसान है। आपको भी कभी ज़रूरत पड़े तो ज़रूर यह ट्रिक को अपनाइए और आसानी से अपने दोस्त मित्र को